तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएफ के स्टॉक के बारे में। डीएलएफ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.56% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 570 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक में इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी 600 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया दिया यहाँ से हमको स्टॉक में 625 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 650 और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 675 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप पर रेजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 555 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 542 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 518 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप और सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।